की, भारत माता की। मोहल्ले वालों को भी पता नहीं चला अभी तक तो माधव विजन स्कूल में बच्चे आ गए स्कूल। भारत माता की। आप लोगों को मना किया हुआ क्या या मुंह में दही जमा किया? भारत माता की। आज हम सब जिस निमित्त यहाँ पर बैठे हैं वो ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है जिस महापुरुष के लिए हम अगर अभी बोलना शुरू करें तो उसका वर्णन पूरा नहीं कर सकते। अभी उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902। ठीक है, उनकी एज रही 39 ईयर्स, मात्र 39 साल। मात्र 39 साल में उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि आज हम उनके 150 साल बाद में, 125 साल बाद में भी आज हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ। सोचने वाली बात यह है 1863 में जो बालक पैदा हुआ उसका जन्मदिन हम आज 161 साल बाद में भी यहां पर मनाएंगे। शुरू से आज हम उनकी बात करते हैं। उनका जन्म का नाम था नरेंद्र, ठीक है, और आज उसी नाम के एक व्यक्ति ने विश्व में परचम लहराया हुआ है। आज इकुल नरेंद्र है जिसने विश्व में परचम लहराया हुआ है, हिंदुस्तान भारत का नाम जिन्होंने करा हुआ है। शुरू की कई घटनाएं हैं, शुरू से ही वो मेहनती रहे, दृढ़ निश्चय रही। अगर उन्होंने सोच लिया मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य तक वो अपना सर्वोच्च देने का प्रयास करते रहे। इसीलिए उनका एक कोटेशन जो उन्होंने बताया था, उत्तिष्ठत जागत प्राप्ते वरान्य बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, अराइज अवेक एंड डिडंट स्टॉप, लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है। ये उन्होंने कही जब वो छोटे बच्चे थे। तो कहीं संस्मरण अगर आपने देखे होंगे पढ़े होंगे आज भी सर्च करना उस व्यक्ति को जागने के बाद में कि स्वामी विवेकानंद क्या है, उनके संस्मरणों में आता है। उनको कुश्ती का, उनको घुड़सवारी का, उनको तैराकी का शौक थे। जब उनको एक बार वो तैरने के लिए गए और वहां हो गए, उन्होंने कहा माँ माँ मेरे को नीचे से मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, मैं क्यों पकड़ लिया है और ये मेरे को लेके जाना चाहता है, मैं क्यों लेके जाना चाहता है? तो आप अगर मुझे इजाजत दें कि मैं समाज का काम करूं तभी ये छोड़ेगा। उन्होंने क्योंकि उस समय ही ये संकल्प कर लिया था मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन मेरे समाज के लिए। समाज का मतलब पर्टिकुलर जाति नहीं, मानव समाज, सनातन समाज जिसके लिए। एक प्रसंग तो ये था। दूसरा प्रसंग जब वो विद्या अध्ययन कर रहे थे उस समय नियमित रूप से वो एक्सरसाइज किया करते थे। शरीर पे आप देख लीजिए उनकी सारी फोटो है, वो मरियत से व्यक्ति नहीं थे, बिल्कुल शरीर सुदृढ़ होगा क्योंकि उनका जो पुराना कोटेशन पड़ा हुआ था का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो उन्होंने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास किया, इसके लिए वो सारे काम किए। और उसी के साथ आप लोगों को एक और जानकारी दूं, जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास में आए, उनके संपर्क में आए, तो उन्होंने का बताई दिया कि मुझे काली माता के दर्शन करने हैं, मुझे कुछ मांगना है। तो उन्होंने कहा जा माता जी के सामने, खुद ही जा और मांग ले, मैं क्या दे सकता हूं। तो वो गए,
माता जी के सामने बैठे माँ काली की मूर्ति जो आज भी स्थापित है कलकत्ता में, तो उसमें वो गए, माँ के सामने आसन ग्रहण कर लिया। आसन ग्रहण करने के बाद में जब उनकी बात आई, उन्होंने मांगा, माँ मुझे आप होते तो क्या मांगते, मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो, मुझे मोबाइल दे दो, मुझे साइकिल दे दो, मुझे स्कूटर दे दो, हाँ ऐसी चीजें मांगते हैं हमारी यही है। लेकिन उन्होंने क्या मांगा, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, इस तरह से उन्होंने मांगा। अब बाहर निकले, बाहर निकलते ही गुरुजी ने पूछा, भाई क्या मांगा? जो कि गुरुजी मैंने तो ज्ञान मांगा, भक्ति मांगी, वैराग्य मांगा। अरे दोबारा जा 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 दोबारा जा और दोबारा जाके और दोबारा मांग। फिर वो गए माँ के समक्ष, प्रतिमा के समक्ष बैठे, उनका वही बात, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। फिर गुरुजी ने तिबारा भिजवाया, तीसरी बार भी गए तो उन्होंने कहा कि ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो फिर गुरुजी समझ गए कि ये दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है और ये वही करेगा जो इसकी नियति बन के आई है और खुद का भाग्य खुद बना रहा है। अभी साइना मैम ने कहा कि खुद का भाग्य खुद बना रहा है। जब न्योता आया भारत में, कसाब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित किया जा रहा है, तो यहां से जाने के पैसे नहीं थे और उस विश्व धर्म सम्मेलन में अपने लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह है, उनके महाराजा के पास आए, ये उनके महाराजा के समक्ष आए संपर्क से, उन्होंने इनको फाइनेंस किया, इन्होंने प्रायोजित किया, आपका संपूर्ण खर्च खेतड़ी रियासत है वो उठाएगी। तो राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जैसे थे यात्रा करके वहां पहुंच गए, वहां पहुंचने के भी बहुत सारे संस्मरण है, क्योंकि ये इनको जो भगवान धारण किया था वो खेतड़ी से ही शुरू हुआ था और भगवान में गए, ट्रेन में रास्ता निकाल रहे जा रहे, तब उधर कोट पेंट टाई सूट बूट का था तो वो हंसी उड़ाते। तब उन्होंने कहा, एक से थोड़ा सा बहस हो गई, तब उन्होंने कहा आई एम ए जेंटलमैन। तो फिर इन्होंने कहा कि आपको जेंटलमैन टेलर बनाते हैं, जो टेलर होते हैं ना वो आपको जेंटलमैन बनाते हैं और हमें हमारा चरित्र जेंटलमैन बनाता है। वो कपड़ों से नहीं, वेशभूषा से नहीं, वो व्यक्तित्व से जेंटलमैन बने। उसी के साथ में जब विश्व धर्म सम्मेलन की शुरुआत हुई, बताया ही है, बहुत सारी कहानियां कथाएं हैं उनमें कहा कि साहब, उसके पहले की बहुत सारी बात है कि बावड़े हो रहे हो क्या तुम, एक कृष्ण के पीछे बावड़े हो रहे हो, कृष्ण के पीछे इतनी इतनी वो थी, ये था, ऐसा था, बहुत सारी बातें उनको उस समय तक कही। जब इनका निश्चित हुआ समय, समय दिया गया इनको, तो आपके पास में 3 मिनट है, 3 मिनट में आपको बात करनी है। तो इनका जो सबसे पहला संबोधन था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस जो पहली पंक्ति थी आत्मविश्वास से भरी पंक्ति थी, उस पर इतनी तालियां बजी कि वो 3 मिनट तो क्या, पूरे 5 मिनट तक सभागार उस बात पे ही तालियां बजाता रहा था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। फिर इनका व्याख्यान शुरू हुआ, इनका व्याख्यान शुरू हुआ, तब इन्होंने पूरे सनातन धर्म की, वेद की, और जो हमारी परंपराएं थी, हमारा इतिहास था, हमारी संस्कृति थी, उन पे उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। और उस व्याख्यान के बदौलत ही शिकागो से गूंजा हुआ नाम पूरे विश्व में है और उसी बात से आज तक हम प्रेरणा पाते हैं। पहला व्यक्तित्व था जिसने सनातन धर्म के लिए अपना एक मुकाम हासिल किया और उसका विश्व में परिचय करवाया। आज एक और बात, जब उनकी अवस्था आ गई,
क्या मुझे इस देह को छोड़ना है, तब भी वो पहले कसरत किया करते थे और किया पूरी तरह से कसरत की। तब लोगों ने कहा कि यार आप अब भी क्या कसरत करते हो, कि मैं जब भी अगले जन्म में भी पैदा हूं तो स्वस्थ पैदा हूं, इसलिए अभी से मैं कसरत कर रहा हूं। फिर 4 जुलाई 1902 को वो ध्यान की अवस्था में गए और ध्यान की अवस्था में जाने के बाद में पता चला कि उन्होंने ये देह का त्याग कर दिया था इस तरह से। लेकिन उनके इस छोटी सी अल्पायु 39 की एज में उन्होंने इतने मापदंड खड़े कर दिए कि हम आज भी उनका जन्मदिन मनाते हैं। उनके ऊपर इतने ग्रंथ लिख दिए गए हैं, उनकी एक एक बात पर पूरी पूरी किताबें लिख दी जाती हैं। ऐसा व्यक्तित्व है, या तो रामचरितमानस में एक एक चौपाई पे बहुत सारों ने पीएचडी कर ली, और वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी के एक एक कथन पे बहुत लोगों ने पीएचडी कर ली है। तो हम सब आज यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों के पास में तो बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि दुनिया अब बहुत बड़ी हो रही है और अपने संसाधनों ने उसको छोटा कर दिया। तो हम ऐसा काम करें जिस काम से नाम हो, ठीक है? और किसका नाम हो? खुद का नाम हो, अपने परिवार का नाम हो। क्यों कर याद रखेंगे हम? नरेंद्र के माता पिता का नाम याद है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम किया था ऐसा। और वैसे ही अभी एक नरेंद्र है जो काम कर रहे हैं देश के लिए, सनातन धर्म के लिए और इस राष्ट्र के लिए। तो मैं आप सबसे इतना सा ही निवेदन करूंगा कि सब सच्चरित्र पर चलते हुए, सत कार्य करते हुए अपना काम करें। हम विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले हम विद्यार्थी का जो कर्तव्य है उसकी पालना करें और पुस्तकों में मन लगाएं। जो युवा है वो चरित्र की ओर ध्यान दें। बहुत सारे रास्ते आएंगे जो भटकाने वाले हों, लेकिन हमें अपना काम करना है और हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुकना। धन्यवाद। भारत माता की जय।